हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल योगिताज कॉर्नर। आज हम बनाने जा रहे हैं घर में ही मिनी पिज्जा। तो चलिए बनाते हैं मिनी पिज्जा। सबसे पहले हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं जो हम पिज्जा बेस के ऊपर स्प्रेड करने वाले हैं। तो उसके लिए हम पहले थोड़ा सा कैप्सिकम, टोमेटो, ओनियन, यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा ही लिया है, और ये है कॉर्न। इसमें अभी हम चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स मिक्स हब, और थोड़ा सा ऑरिगेनो। इसमें हम अभी सॉस डालने वाले हैं, ये जो टोमेटो सॉस होता है वो, और उसके बाद मेयोनीज। ये हमने मेयोनीज डाल दिया 1 टेबलस्पून। इसको अब हम क्या करेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये हमारा अच्छे से जो हम पिज्जा बेस पे स्प्रेड करने वाले हैं वो तैयार हो गया है। अभी हम ब्रेड का स्लाइस ले लेंगे और उसे एक ऐसे कटोरी लेना है और उस पर हम ये से कट कर देंगे। तो ये अच्छे से पिज्जा बेस हमारा घर में ही तैयार हो जाएगा। मैं दूसरा भी कर लेती हूँ। अभी हम ये हमारे पिज्जा बेस तैयार हो गए हैं। हम इसके ऊपर हमारी ग्रीन चटनी लगाएंगे। हमने यहाँ पे पिज्जा सॉस नहीं लिया है, नॉर्मल सॉस ही लिया है। हम यहाँ पे अच्छे से अभी ये स्प्रेड कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे अच्छे से मेयोनीज जो है वो स्प्रेड करेंगे। ज्यादा जो एक्सेस मेयोनीज है वो हम निकाल देंगे। ये देखिए अच्छे से हमने ये स्प्रेड कर दिया है। अभी हम क्या करेंगे, जो हमने स्टफिंग तैयार कर दी थी, इसको स्टफिंग नहीं बोलेंगे हम, जो ऊपर से हम अप्लाई करने वाले हैं पिज्जा के ऊपर वो मिक्सचर, वो हम अभी अच्छे से इनके ऊपर स्प्रेड करेंगे। कॉर्नर तक नहीं लेके जाना है क्योंकि जब हम इसको रोस्ट करेंगे तब वो नीचे आ सकता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा कॉर्नर के साइड साइड में ही रखेंगे इसको। ओके, देन अभी हम इसके ऊपर चीज ये आप अच्छे से किसी किटी पार्टी में भी यूज कर सकते हैं ये डिश, या फिर बच्चों को मिनी पिज्जा बोल के भी बहुत अच्छी और बहुत ही टेस्टी ऐसे डिश होती है ये। अभी चीज हो गया हमारा, अब हम यहाँ पे मिक्स हब, थोड़ा थोड़ा मिक्स हब स्प्रेड करेंगे क्योंकि हमने बैटर में भी वो डाला था इसलिए, और ऊपर से ऑरिगेनो थोड़ा थोड़ा। एक अब हम क्या करेंगे, मैंने पैन गरम करने के लिए रख दिया था, तो इस मैंने ये पैन ले लिया है जो हमारा फ्राई पैन होता है, उसके ऊपर ये जो प्रेशर कुकर में जो नीचे जो जाली होती है वो डाली है मैंने यहाँ पे, या फिर आप स्टैंड भी रख सकते हो। फिर इसके ऊपर मैं ये रख दूंगी हमारे मिनी पिज्जा। ये मैंने थोड़ा सा पहले ही प्री हीट करके रख दिया था।
इसके बाद मैं इसको ऐसे अच्छे से ढक दूंगी। ये जस्ट हम 2-3 मिनट इसको ऐसे ही होने देते हैं ताकि हमारा जो चीज़ है ऊपर में हमने डाला हुआ वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। देखो अभी से होने लगा है वो। ये देखिए हमारे पिज्ज़ा रेडी हो गए हैं और वाव कितने अच्छे से चीज़ मेल्ट भी हो गया है। अभी मैं इसको सर्विंग प्लेट में निकाल देती हूँ। ये हमारे मिनी पिज्जास तैयार हो गए हैं, तो आप भी ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कैसे हुआ है। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।